हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लेके आए हैं 30x60 में भी शानदार लग्जरी कोठी, जिसमें आपको एक थिएटर मिलने वाला है, 5 बेडरूम मिलने वाले हैं, वो भी लिफ्ट के साथ में, और इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी होने वाली है, आप देख के मज़ा आ जाएंगे। मतलब हर चीज़ का साइज आप देखोगे, किचन, बेडरूम, हर चीज़ आपको देखने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आप एक बार फ्रंट एलिवेशन देखो अपने विला की, मतलब इस कोठी की एक बार आप फ्रंट एलिवेशन देखोगे ना, देखते मज़ा आ जाएगा। चारों तरफ आपको जो प्रोफाइल लाइट से जो यूज़ किया गया है, साथ में LED लाइट का पूरा काम किया गया। रात को तो यार और भी जोरदार लगती है कोठी, तो मैं ट्राई करूँगा रात का इसका सीन डालने के लिए, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं टफन ग्लास यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो आप जैसे आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो रैम्प एरिया मिल जाता है, और रैम्प एरिया में आपको जो ग्रेनाइट का पूरा यूज़ करके दिया गया है, और काफ़ी चौड़ा सारा है, 30 फीट का आपको फ्रंट मिलता है। उसके कारण इसके जो बेडरूम के जो नक्शा निकला है ना पूरा, वो एकदम ज़ोरदार निकला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, देखेंगे अपन इस गेट को। गेट से पहले हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको जो अपनी जो नंबर प्लेट है वो लगाने के लिए काफ़ी बड़ा सारा स्पेस छोड़ा गया है। साथ में आप चाहो तो इधर LED लाइट्स का भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूरा आप देखोगे तो ग्रेनाइट में पूरा काम किया गया है विद स्टोन फिनिश, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आ गए हैं तो देखिए ये आप गेट देख सकते हैं, अपना ये पूरा अपना स्लाइडिंग डोर होने वाला है। गेट को अगर अपन देखें तो आपको जो पूरा हैवी क्वालिटी में आयरन का वर्क किया गया है इसमें डोर में। साथ में इधर आप देखेंगे तो टफन ग्लास यूज़ किया गया है, इधर भी आपको कुछ डिज़ाइंस बना के दी गई हैं, और उधर आपको सनमाइका का यूज़ किया गया है, ठीक है। और ये आपका जो पूरा स्लाइडिंग डोर रहेगा, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा आपका स्लाइडिंग डोर रहेगा। तो इसको अगर अपन खिसकाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो है काफ़ी चौड़ा सारा पार्किंग स्पेस निकल जाता है, जहाँ पर आप अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी फॉर्चुनर, थार इजीली यहाँ पर खड़ी कर सकते हो। देख सकते हो आप अभी कुछ सामान रखा हुआ है इधर, ठीक है। तो देख सकते हो आपको यहाँ पर वाटर टैंक मिल जाता है। साथ में ऊपर आप देखोगे सीलिंग का डिज़ाइन, तो एकदम वुडन फिनिश में पूरा सीलिंग डिज़ाइन है। साथ में आपको जो है LED लाइट्स का भी यूज़ करके दिया गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बाहर की तरफ काफ़ी बड़ा सारा टफन ग्लास मिल जाता है, जो कि सीधा आपका जो है सनलाइट और वेंटिलेशन में मदद करता है। इधर दी गई आपको शू रैक, और इधर भी आपको एक जो छोटा स्पेस दिया गया, आप चाहो तो गार्डनिंग कर सकते हो, या जो जैसे आप चाहो वैसे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सामने तरफ मिलते हैं आपको 30 फीट वाइड रोड, और हाँ इसकी जो है लोकेशन मैं आपको बताना भूल गया, तो इसकी जो लोकेशन अपने विला की वो रहने वाली वैशाली नगर वेस्ट, अपनी जो करनी विहार जो पुलिस स्टेशन है उससे मात्र 500 मीटर डिस्टेंस है, मतलब बाईपास से मात्र 500 मीटर डिस्टेंस मिल जाती है। तो लोकेशन एकदम बढ़िया होने वाली है आपकी, और अगर आप कोई भी जो है प्रॉपर्टी अगर अपने जयपुर में ढूंढ रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सब जगह जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वैशाली नगर, मानसरोवर, सब जगह, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का टूर करते हैं, आइए। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको 2 गेट मिलते हैं टोटल, एक है बाहर आपको जाली वाला और एक ही ये वाला। एक बार इस डोर का आप जो है देखो, एक बार पूरा वुडन में किया गया है वर्क, और एक बार देखो पूरा इस डोर को। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोदरेज का अनलॉक दिया गया सिस्टम, जिसमें फिंगरप्रिंट भी है। उसके बाद आप यहाँ पर आगे आओगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सारा ड्राइंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो L शेप में सोफा लगा दिया गया है, और यहाँ से यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर आपको जो काफ़ी बड़ा सारा देख सकते हैं पूरा LED पैनल दिया गया है विद वुडन फिनिश हैवी क्वालिटी में। उसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो आपको बहुत ही ऊँची दी गई है, 20 फीट की यहाँ पर आपको हाइट दी गई, जहाँ पर आपको एक जो बड़ा सारा झूमर लगा दिया गया है। ऊपर का आप एक नज़ारा देख सकते हो, एक बार काफ़ी खूबसूरत आपका नज़ारा रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सामने की तरफ फुल साइज़ में यहाँ पर आपको जो LED TV मिल रही है, कौन सी कंपनी की, अपनी TCL की, यहाँ पर आपको जो LED मिलने वाली है। उसके बाद ड्राइंग एरिया यहाँ पर आपने कवर कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो एक बार पीछा के एक बार इसका पूरा आप व्यू लो इस चीज़ का। अब देखो नहीं ऐसे नहीं, इधर यहाँ से आप देखोगे तो पूरा इसका जो व्यू है, अब देखो दोनों जो पार्ट है इसको सेपरेट करता है ये बीच में ये जगह, ठीक है। तो ये जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर अगर अपन आएंगे तो जो अपने जो घर में जो मम्मी लोग होती है वो उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद एरिया होता है वो होता है अपने किचन। तो इस किचन को इतना शानदार डिज़ाइन किया गया ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आपको जो एक वॉश बेसिन मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो बड़ा सारा कांच मिल जाता है, इसमें आप लाइट भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। नीचे आपको जो स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पर आप चाहो तो अपने हिसाब से जो डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर रख सकते हो। फॉल सीलिंग के पर आप डिज़ाइन देख लीजिए। उसके बाद यहाँ अगर आप आगे आएंगे तो ये बार किचन की साइज़ आप देखो यार, मतलब क्या ही किचन है, मतलब इतनी चौड़ी सारी किचन, मतलब एकदम स्पेशियस है, और यू शेप में आपकी किचन रहने वाली है विद फुल्ली मॉडुलर किचन, ठीक है। यहाँ पर आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको डेस्क मिल जाएगी,
विथ सॉफ्ट क्लोजर, वार्डरोब मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा खासा जगह यहाँ पर आपको छोड़ा गया है। साथ में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको जो चूल्हा मिल जाएगा, ये आपकी चिमनी, और प्रॉपर आपको सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ भी दी गई है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर आपको जो माइक्रोवेव दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको ओवन दिया गया है, और भी आप देख सकते हैं सब चीज़ स्टोरेज के लिए पूरा यहाँ पर सामान है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दी है अपनी 6 सीटर डाइनिंग टेबल, तो यार स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, आपकी मम्मी लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद अगर अपन आ गए हैं तो मैंने बताया था आपको भाई टोटल ये जो 5 बेडरूम में होने वाला है, और साथ में एक आपको थिएटर भी मिलने वाला है जो कि अपने छत पर रहने वाला है, तो उस चीज़ को मिस मत करना, वैसे मज़े आ जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर आपको एक लिफ्ट दी गई है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाली है, अभी इसको बंद कर रखा है हमने कि अभी यूज़ तो हो नहीं रही। और यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट बेडरूम अपना मिलता है, पर उससे पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाऊंगा। तो देखिए ये है आपको कॉमन वॉशरूम, वॉशरूम की आप साइज देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, और पूरी ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पर आपको कर के दी गई, टाइल्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर अपन आ गए हैं तो यहाँ आ जाते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम की आप एक बार साइज़ देखो यार, मतलब कितना स्पेशियस है। और जो चौड़े फ्रंट वाली जो विला होते हैं यार, ये खास बात होती है कि भाई चौड़े चौड़े बेडरूम होते हैं, आप देख सकते हैं स्पेस एकदम फुल है। 30-60 में बनी हुई अपनी कोठी पूरी 200 गज में, और देख सकते हैं ये अपना बेड कुशन वर्क किया गया, अपना जो पीछे वॉल का वर्क करके जगह वुडन में, साथ में ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का वर्क अपना, एक AC आपको ला के दिया गया है। सामने की तरफ आप देखोगे तो LED पैनल यहाँ पर आपको दिया गया है, साथ में विद LED 42 इंची, ठीक है। स्टोरेज के लिए आपको जगह दी गई है, वॉल कवर का आप देख सकते हैं पूरा वुडन में, साथ में पीछे अपन को एक जगह दी गई है, ये पर देख लो स्पेस आप देख लो पीछे की जगह का। उसके बाद अगर अपन ये आगे चलें तो इधर अपना जो है ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट है मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ। एक बेडरूम यहाँ पर आपको मिलता है, एक किचन मिलती है यहाँ पर आपको, साथ में एक कॉमन वॉशरूम मिलता है, और एक डाइनिंग ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी जो है चीज़ लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा दिया गया स्पेस, आप चाहो तो अपने लिए स्टोरेज के लिए जगह बना सकते हो कुछ लगा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप ऊपर देखो तो एलिवेशन देखो इधर की कितना खूबसूरत आता है, ऊपर आपको जो है झूमर आगे दिया गया है, तो वो भी अपन देखेंगे आगे चल के। तो आइए ऊपर चलते हैं, आप देखिए अब ये है अपनी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों में आप अगर देखोगे तो पूरा ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। इधर आप देख सकते हैं अपने लिए वुडन का काम किया गया, यहाँ पर आप चाहो तो अपने कोई भी डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर रख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देखोगे सीढ़ियों में तो यहाँ पर आपको जो अलग से जगह छोड़ी गई, यहाँ पर आप पेंटिंग लगा सकते हो, मतलब काफ़ी बढ़िया बनाया गया एकदम कोठी को, और वैसे प्राइस भी इतनी शानदार होने वाली है, आप सुनते ही मज़ा आ जाओगे। तो बीच में मैं आपको प्राइस बताऊंगा, और प्राइस देख के आप एकदम हैरानी हो जाओगे भाई इतने अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर आपको एक कोठी मिली है, ठीक है। तो देखो ये आ गया अपन फर्स्ट फ्लोर पे, अब देखो फर्स्ट फ्लोर का जो लेआउट है वो मैं आपको समझाता हूँ। टोटल यहाँ पर 3 बेडरूम रहने वाले हैं और एक बड़ी सारी बालकनी रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन इसको देखें तो देखिए ये है अपना वही एरिया जो कि अपन ने नीचे से देखा था, और यहाँ पर आपको जो बड़ा सारा झूमर लगा दिया गया है, ये आपकी टफन ग्लास की रेलिंग है, और इतनी ऊपर कि आपके बच्चे तो ईजिली नहीं गिरेंगे। तो देख लिया आपने पूरा झूमर, अब दिखाते हैं आपको अपना इस फ्लोर का पहला बेडरूम। तो आइए देखिए यह आ जाता है अपना सेकेंड बेडरूम, यह आपका जो है मेनली किड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, बच्चों लोगों के लिए। यहाँ पर आपको उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर जो है वार्डरोब दी गई है छोटी वाली, स्टोरेज के लिए जगह। उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है पढ़ने के लिए टेबल दी गई है, स्टडी टेबल, पीछे आप वॉल का वर्क देख सकते हैं पूरा वुडन वर्क में। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, ये बार आप इसका भी ओवरव्यू कर लीजिए, पूरे टाइल्स का यूज़ है, जैगुआर की आपकी फिटिंग है ब्रांडेड। आइए अब चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट बेडरूम में, उसके बाद अगर अपन यहाँ पर आए तो जैसे अपन सीढ़ियों से ऊपर आते हैं ना तो यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिल जाता है जिसका स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सारा है, देख सकते हैं आप
फुल स्पेशियस यहाँ पर आपको बेडरूम मिलता है। बेड के साइड साइड में आपको देख सकते हैं 2.5 फीट की जगह यहाँ पर छोड़ी गई है, 2.5 फीट की भाई साहब, 2.5 फीट की जगह छोड़ी गई है। पीछे आप देखोगे तो वॉल का पूरा वर्क है, वॉलपेपर के साथ कुशन वर्क है, यहाँ पर LED लाइट आपको यूज़ किया गया है। साथ में वॉल सीलिंग का वर्क आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये है आपका LED पैनल, फुल साइज में यहाँ पर आपको जो LED पैनल दिया गया है वो भी वुडन वर्क में, वो भी हैवी क्वालिटी में। आप देख सकते हैं 32 इंच की यहाँ पर आपको LED TV इंस्टॉल करके दी गई है। साथ में वही आपको जो है बैक स्पेस मिलता है, दिखाने की तरह तो नहीं उतना स्पेस है जैसा आपने नीचे दिखा था। तो अब चाहिए चलते हैं आगे। आइए, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं इस वीडियो को, मतलब इस कोठी को देखते देखते, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना। और वीडियो अच्छे लगे तो यार प्लीज़ लाइक करके जाना यार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मिलता है अपन को अपना इस फ्लोर का 3rd बेडरूम। तो देखिए कुछ ऐसा अपना बेडरूम रहने वाला है, फुल्ली स्पेशियस आपका जो है बेडरूम रहेगा। डबल बेड का यहाँ पर आपको जो बेड इंस्टॉल करके दिया गया, पीछे आप देख सकते हैं वॉल का वर्क। उसके बाद आप सामने की तरफ देखिए तो यहाँ पर आपको जो LED पैनल दिया गया है, और जिसमें LED आपको इंस्टॉल करके दी गई है। AC आपको दिया गया है, लगभग हर कमरे में आपको जो AC मिल ही रहा है, वो भी गोदरेज का। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अटैच ड्रेसिंग रूम दिया गया है, और साथ में अटैच वॉशरूम दिया गया है। तो ड्रेसिंग रूम आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है अपना अटैच वॉशरूम। टाइल्स का पूरा यूज़ किया गया है, और ब्रांडेड आपकी फिटिंग्स और एसेसरीज रहने वाली है। उसके बाद अपन चलेंगे अब बालकनी, और बालकनी का साइज देखना भाई साहब मजा देंगे। और हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है कर्टन्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो पूरा टफन ग्लास यूज़ किया गया है, तो यहाँ से आप बालकनी का नज़ारा देख सकते हैं। आप बालकनी में ही चलते हैं अपन। तो देखिए ये है आपकी बालकनी यार, बालकनी का स्पेस देखो आप बस। अब मैंने आज तक इतने विला में गया हूँ, इतना स्पेस कभी नहीं देखा मैंने बालकनी में, इतना स्पेस है यहाँ पर। पूरा टाइल्स का यूज़ किया गया, आप ऊपर देख सकते हैं सीलिंग का वर्क। यहाँ पर LED लाइट यूज़ किया गया है ताकि फ्रंट एलिवेशन भी अच्छे लगे अपना। और यहाँ पर यहाँ भी नहीं है खाली, इधर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और पूरी आपको टफन ग्लास की रेलिंग दी गई है, और जैसा कि आपने नीचे देखा था तो यहाँ पर आपको जो 30 फीट की रोड मिल जाती है सामने तरफ। पूरी बसावट है अपनी इस कॉलोनी में, ठीक है। और लोकेशन भी काफ़ी एकदम बढ़िया, पूरी बसावट वाली। तो आइए चलते हैं अब इससे ऊपर फ्लोर की तरफ। इस वाले फ्लोर को मैंने आपको दिखाई दिया, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर रह गई, यहाँ पर आपको जो एक मंदिर मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर इस जगह को आप एज अ मंदिर यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया इस वाले फ्लोर को अपन ने जो पूरा ही देख लिया। तो आप एक बार आगे आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ इस फ्लोर का जो लेआउट है वो ये रहने वाला है। टोटल इस फ्लोर पे आपको जो 3 बेडरूम मिलेंगे, एक बालकनी मिलेगी, ठीक है। आप चलते हैं इस ऊपर वाले फ्लोर की तरफ, जहाँ पर आपको मिलता है एक बेडरूम और एक थिएटर और एक रूफटॉप गार्डन, ठीक है। तो चलिए ऊपर देखते हैं। और हाँ यार, मैं आपको बताना भूल गया, जो ये सीढ़ियाँ हैं इधर, इधर भी आपको जो साइड साइड में लाइट्स यूज़ की गई है, जिससे देखने में और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये विला अपना। और यहाँ पर भी आपको जो एक झूमर दिया गया है, मतलब दो दो झूमर यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद आप जैसे आगे आओगे तो यहाँ पर आ जाता है अपना ये 5th बेडरूम। यहाँ आप देखेंगे तो 5th बेडरूम की काफ़ी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ भी आप देखोगे तो डबल बेड का बेड अपना, वही वॉलपेपर का वर्क, सीलिंग का वर्क आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर मिल जाते हैं आपको वार्डरोब्स, स्टोरेज के लिए जगह काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे वही अपना AC, यह है आपका LED पैनल, और साथ में एक अपना अटैच वॉशरूम, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्रांडेड फिटिंग्स और एसेसरीज यहाँ पर आपकी रहने वाली है। उसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो जैसे कि आपने देखा था नीचे लिफ्ट, तो पूरे टॉप फ्लोर तक यहाँ पर आपको जो लिफ्ट का यूज़ किया गया है, तो आप अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप छत तक इजीली आ सकते हैं लिफ्ट के द्वारा। तो देखिए ये है आपका छत का रास्ता, और यहाँ पर आपको जो रूफटॉप गार्डन बना के जगह है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है रूफटॉप गार्डन बनेगा, इधर जो है अभी आर्टिफिशियल ग्रास तो लगाई दिया, अभी पूरा काम नहीं हुआ इधर का। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्टील की ये लगा के दी गई, साथ में कुछ लैम्प्स अपने। एक बार अपन पूरी छत को देख लेते हैं और फिर देखेंगे अपने थिएटर, ठीक है, एंड में। तो छत का आप देख लो, पूरा एंड तक चल जाओ, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पर आपकी छत रहने वाली है।
देख सकते हैं आप छत की साइज भाई साहब इतनी बड़ी यहाँ पर आपको जो छत रहने वाली है। उसके बाद अगर अपन सामने की तरफ देखें तो मैं आपको सामने से अपनी नज़र दिखाता हूँ, आप देख लीजिए ये अपनी फ्रंट एलिवेशन का पार्ट है और यहाँ पर आपको जो टफन ग्लास की रेलिंग मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर आपको इंतज़ार था, अब चलते हैं अब हमने थिएटर में, ठीक है। तो यहाँ पर छत पर आपको थिएटर बना के दिया गया, तो आइए ये है आपका थिएटर। तो देखिए ये रहने वाला आपका थिएटर, अभी अंदर लाइट कम है पर मैं लाइट जला देता हूँ। देखिए ये है आपका थिएटर, थिएटर आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस होने वाला है, इसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा निकला है। यहाँ पर आपको जो है तीन रिक्लाइनर्स दिए जाएंगे, एक रिक्लाइनर अभी है नहीं यहाँ पर नीचे पड़ा है, और यहाँ पर आपको एक सोफ़ा दिया जाएगा बड़ा सारा, वो भी बेड टाइप में, तो आप यहाँ पर आराम से लेट ना चाहो लेट जाओ, बैठना चाहे बैठ जाओ। और सामने तरफ ये है आपकी स्क्रीन, यहाँ पर चलेगी आपकी मूवी। तो थिएटर का साइज भी काफ़ी अच्छा खासा निकला है, साथ में यहाँ पर आपको जो है एक एसी भी इंस्टॉल करके दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे आपको जो है पूरा कुशन वर्क करके दिया गया है जैसे एज ए थिएटर होता है। तो भाई साहब कैसा लगा ये बंगला, तो प्लीज़ मेरे को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा ये बंगला। भाई 30x60 में बना हुआ है, 5 बेडरूम है विथ लिफ्ट विथ ऑल लग्जरी एमिनिटीज और किचन भी भाई साहब एकदम ही जोरदार, ठीक है। तो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताना। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स की, लोकेशन मैंने आपको बताई थी 5 BHK में ये बना हुआ है, अब आस्किंग है वो मैं आपको बताया था 3,21,00,000 रुपए में, जैसा हमने देखा एज इट इज़ सेम टू सेम आपको जो ये प्रॉपर्टी डिलीवर करी जाएगी, JD अप्रूव्ड आपकी रहेगी, 80-90% ईजिली लोनेबल रहेगी, ठीक है। तो और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।